हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जनरल साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे, आज हम उससे आगे चलेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे विजिट करेंगे, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, और बाकी के भी जो है स्टडी मटेरियल के लिंक भी वहां पर हम शेयर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोगैस का मेन कंपोनेंट जो है वो पूछा गया है। तो बताइए बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है। आप जानते होंगे जो भी रॉ बायोगैस होती है उसके अंदर मीथेन होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कुछ ट्रेसेस होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के, और साथ में कुछ वाटर वेपर्स होते हैं। तो जो मेन कंपोनेंट होता है, जो सबसे ज्यादा होता है, 55-60% जो होता है वो हमारा मीथेन होता है। तो आपका सही आंसर जो होगा वो मीथेन होगा। तो एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो पढ़ लीजिए, बायोगैस जो है एक एमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, which is obtained through the degradation of the organic matter by the bacteria under the anaerobic condition. तो raw biogas के अंदर क्या क्या होता है, 55-65% methane होता है, 30-45% carbon dioxide होता है, traces of hydrogen sulfide होता है, और हमारे पास कुछ fractions होते हैं water vapor के। तो उम्मीद करते हैं कि question आपको याद रहेगा। question number 12 देखेंगे, एक और important question है। question आपकी screen पे आ चुका है, तो आप इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए, नीचे कमेंट में आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज स्लाइटली। ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका पीएच लेवल जो है वो पूछा गया है। आप जानते होंगे जब भी आपने ब्लड टेस्ट कराया भी होगा तो उसमें भी जो है पीएच जो है वो लिखा होता है कि 7.4 है, 7.5 है, इसके आसपास जो है वो रहता है। तो ये जो 7.4 होता है ये बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक होता है। तो जनरली जो ह्यूमन होता है उसका ब्लड जो पीएच होता है ब्लड का 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। तो हम यूजुअली कहते हैं कि 7.40 जो है ये पीएच होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको याद रहेगा कि पीएच जो होता है ह्यूमन ब्लड का वो बेसिक नेचर होता है उसका। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ब्लड इज नॉर्मली स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक होता है। नॉर्मल जो पीएच रेंज होती है 7.35-7.45 होती है। यूजुअली जो बॉडी होती है वो मेंटेन करती है पीएच, हमारा बॉडी का 7.40 जो है वो मेंटेन करती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो डेटा है ये याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और उम्मीद करूंगा कि आप इसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन द फूड आइटम्स। फूड आइटम्स में जो मेन प्रिजर्वेटिव जो है यूज किया जाता है, तो बताइए वो कौन सा प्रिजर्वेटिव है जो हम फूड आइटम्स में यूज करते हैं। अब बेसिकली जो है फूड आइटम्स कौन कौन से, जैसे कि हम सलाद होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आती है, हमारे पास फ्रूट जैम्स आते हैं, फ्रूट के जूसेस आते हैं, पिकल्स अचार आता है, उनमें हम एक खास जो है वो प्रिजर्वेटिव का जो है यूज करते हैं, तो बताइए वो कौन सा होगा। तो सही आंसर होगा सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट जो है वो एक प्रिजर्वेटिव है जिसका नंबर E211 है। तो मोस्टली जो है वाइडली यूज जो है एसिडिक फूड में जो है ये यूज किया जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सोडियम बेंजोएट जो है एक प्रिजर्वेटिव है विद द ई नंबर E211। इट इज मोस्ट वाइडली यूज इन एसिडिक फूड में इसका यूज करते हैं, जैसे कि सलाद में यूज करेंगे, एसिडिक एसिड इन विनेगर, कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स आती है, कार्बोनिक एसिड जैम्स एंड फ्रूट जूसेस में जो हम इसका यूज करते हैं, पिकल्स में हम इसका यूज करते हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और 14 क्वेश्चन जो है वो आपकी केमिस्ट्री के पोर्शन से है। क्वेश्चन में पूछा गया है, द एटम्स इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट आर नोन एज। ऐसे एटम्स को क्या कहा जाता है, उन एटम्स को जिसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ऐसे एटम्स को क्या कहा जाता है। ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या होंगे,
आप यहाँ पर कह सकते हैं आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट डेट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स नंबर इसमें डिफरेंट होते हैं बट द सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर होते हैं इसमें प्रोटॉन्स का भी इलेक्ट्रॉन्स का भी, और ये एटम जो होते हैं वो सेम एलिमेंट के होते हैं, तो ये हमारा हमारा आइसोटोप होता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने जो है एक्सप्लेनेशन आ चुकी है, पढ़ लीजिए एक बार। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट डेट हैव्स डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट द सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो जो डिफरेंस होता है इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिटवीन द वेरियस आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट मीन्स डेट द वेरियस आइसोटोप हैव द डिफरेंट मासेस। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स आती हैं, अमंग द हाइड्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का आइसोटोप बताइए, तो ये जो है ड्यूटेरियम जो है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, और आप जानते होंगे कि आप ही का सिलेबस जो है क्लास फोर्थ में भी सिलेबस सेम था और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो बहुत से स्टूडेंट ने ठीक भी किया था। तो देखिए हाइड्रोजन के जो आइसोटोप है उसमें ड्यूटेरियम आता है जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, 2s से डिनोट करते हैं या d से डिनोट करते हैं। इसमें एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटियम का जो है, प्रोटियम के मास से जो है ट्वाइस इसका जो है वो मास होता है, और ट्राइटेरियम जो होता है उसका 3h होगा, तो ये 3 times जो होगा वो मास ऑफ प्रोटियम होगा, ड्यूटेरियम जो होगा वो ट्वाइस होगा और ट्राइटियम जो होगा वो थ्राइस होगा मास ऑफ प्रोटियम के। तो यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलेंगे, और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बेस क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जहाँ पर जनरल साइंस आपका जो है सिलेबस में मेंशन किया गया है और यहाँ पर आपका टॉपिक जो है मेंशन नहीं किया गया है, तो ये फैक्ट बेस क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज अ नॉन स्टिक कोटिंग फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। आप देखते हैं आप अपने घरों में भी जो है नॉन स्टिक जो है वो यूटेंसिल्स का यूज करते होंगे, नॉन स्टिक जो है वो तवे का भी यूज करते होंगे अपने चपातीस बनाने के लिए, तो उनमें जो कोटिंग की जाती है वो नॉन स्टिक जो बनाई जाती है वो जो सरफेस इंजीनियर की जाती है वो जो है उसमें हम क्या चीज यूज करते हैं, तो उसके बारे में आप बताइए इसमें हम क्या चीज का यूज करते हैं। तो उसमें हम टेफ्लॉन की कोटिंग क्या करते हैं, किसकी कोटिंग करते हैं, टेफ्लॉन की। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजें नहीं भूलेंगे, एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको दे देता हूं। ये आपके पास जो है टेफ्लॉन की कोटिंग होगी। देखिए नॉन स्टिक सरफेस जो होती है इज अ सरफेस इंजीनियर्ड टू रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ अदर मटेरियल टू स्टिक टू इट। नॉन स्टिक इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू द सरफेस कोटेड विद द पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन, जिसे हम जो है टेफ्लॉन भी कहते हैं। अच्छा देखिए ऐसे तुम जान गए कि टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है पेन्स में नॉनस्टिक बनाने के लिए, फ्राई पेन में करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो पीटीएफई की फुल फॉर्म क्या है, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन, तो इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हुए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर जो है बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द टू व्हील्स ड्यूरिंग द पेडलिंग ऑफ ए बाईसाइकिल इज सच दैट इट एक्ट्स। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है एग्जर्टेड बाय द ग्राउंड, आप जानते हैं कि जब बाईसाइकिल हम चला रहे हैं एक फोर्स जो है वो पेडल जो साइकिल के व्हील्स है बाईसाइकिल के उससे लग रही है, और लेकिन जो हमारा ग्राउंड है वो भी एक फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एग्जर्ट कर रहा है हमारा ग्राउंड ऑन द टू व्हील्स, हमारे व्हील्स पे ड्यूरिंग द पेडलिंग ऑफ ए बाईसाइकिल इज सच दैट इट एक्ट्स। अब ये किस डायरेक्शन में जो है वो एक्ट करती है, ये बेसिकली जो है वो पूछा गया है। तो पहला है इट, पहला ऑप्शन जो हमारा आ रहा है पहला ऑप्शन में है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, बिल्कुल बैकवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करती है, ऑन द फ्रंट व्हील पे एंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन द रियर व्हील। अब याद रखेंगे जो फ्रंट व्हील है इन पे बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो एक्ट करेगी हमारी फ्रिक्शन फोर्स, और जो हमारे रियर व्हील है इनमें जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो चलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपका जो होगा वो सही आंसर जो है वो होगा। आप जानते होंगे जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो अपोज करती है बैकवर्ड टेंडेंसी को, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिंपल सा एक और क्वेश्चन आ चुका है।
इफ अ मशीन इज लुब्रिकेटेड विद ऑयल, अगर हमारे पास एक मशीन है और उसे हम लुब्रिकेट कर रहे हैं ऑयल से, तो हम लुब्रिकेट जो ऑयल से कर रहे हैं उससे क्या होगा? तो हम क्यों करते हैं लुब्रिकेट? तो हम लुब्रिकेट इसलिए करते हैं ताकि हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी है जो मशीन की वो इंक्रीज हो जाए। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए नहीं करते हम, मैकेनिकल एफिशिएंसी को जो है वो इंक्रीज करने के लिए जो है वो करते हैं। तो हम लुब्रिकेशन क्यों करते हैं? जैसे कि आप सेविंग मशीन का यूज़ करते होंगे अपने घरों में, आप देखते हैं कि हम उसमें ऑयलिंग करते हैं, हम उसमें लुब्रिकेशन करते हैं। तो क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है मशीन की वो इंक्रीज हो चुके हो जाए। तो हम इंक्रीज करने के लिए, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। अगला मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है यहाँ पर, और न्यूमेरिकल्स में जो है आपको अलग से कराऊंगा, बट फिर भी मैं आपको एक होमवर्क जो है वो न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन जो वर हाफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर वुड हैव बीन। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे रेलवे के एग्जामिनेशन होंगे, चाहे SSC के एग्जामिनेशन होंगे, इवन JKSSB के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास अर्थ है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सपोज ये अर्थ है और ये हमारे पास सन है, इनका जो प्रेजेंट डिस्टेंस है, ये सपोज इनका डिस्टेंस है प्रेजेंट, तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वर हाफ, अगर इस डिस्टेंस को हम हाफ कर देते हैं, इस डिस्टेंस को यहाँ पर हम हाफ कर देते हैं, मतलब हम यहाँ पर जो है वो सन को ला रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज जो है इन अ ईयर वुड हैव बीन। तो आप बताइए जो नंबर ऑफ डेज हैं अभी, जैसे कि एक साल में जितने दिन होते हैं, तो उन दिनों में क्या असर पड़ेगा, क्या वो बढ़ेंगे, क्या वो कम होंगे, तो ऐसा क्या होगा? अगर हम डिस्टेंस जो है वो कम कर देते हैं तो नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो भी कम होते हैं। कितने कम होते हैं? वो 129 होंगे। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है तो आप इसे जो है वो मार्क करेंगे, 129 जो है वो डेज होंगे। तो एक्सप्लेनेशन के लिए जो है मैं फॉर्मूला भी आपको दे देता हूँ, T1/T2 जो होगा वो R1/R2 √3 होगा। तो ये बेसिकली कपलर लॉ से हम जो है सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास एक्सप्लेनेशन है, आप इसका स्क्रीन शॉट लेके जो है वो कर सकते हैं। तो वैसे आप याद रखेंगे 129 डेज। अब अगला क्वेश्चन है, हीट गिवन टू ए बॉडी विच रेजिस्ट इस टेम्परेचर बाई 1 degree ईस्ट। तो एक डेफिनेशन जो है बेसिकली पूछी गई है, तो ये किस चीज की डेफिनेशन है? वाटर इक्विवेलेंट, थर्मल कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट या टेम्परेचर ग्रेडियंट की? तो किसकी डेफिनेशन है? थर्मल कैपेसिटी की डेफिनेशन है। थर्मल कैपेसिटी क्या होता है? हीट गिवन टू ए बॉडी विच रेजिस्ट इस टेम्परेचर बाई 1 degree centigrade। हम बॉडी को कितनी हीट देते हैं ताकि उसका 1 degree centigrade से टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दे, उसी को हम थर्मल कैपेसिटी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो आपने ठीक कर लिया होगा। अगला हम जो है एक और क्वेश्चन जो है वो लेंगे, फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, विच आर द फ्लोइंग पैरामीटर डज नॉट करेक्टराइज द थर्मोडाइनमिक स्टेट ऑफ द मैटर। तो इनमें से जो है कौन सा वो पैरामीटर है जो करैक्टराइज नहीं करता है थर्मोडाइनमिक स्टेट ऑफ द मैटर? तो कौन सा जो है थर्मोडाइनमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम को जो है वो डिफाइन करता है? अब वो अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप एलिमिनेट करके जो है वो आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा है डज नॉट करैक्टराइज, तो प्रेशर जो है वो करैक्टराइज नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, थर्मोडाइनमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज अ स्पेसिफाइंग वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टीज। सेट ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। तो आगे देखिए, सफिशियंट टू डिटरमाइन ऑल अदर प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज जिनसे हम बाकी डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इन केस ऑफ अ गैस आर, कौन कौन से वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं गैस में? PVT होते हैं, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, इन एडिशन टू द नंबर ऑफ द मोल्स। तो इन एडिशन टू द नंबर ऑफ द मोल्स, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर सही आंसर जो होने वाला है आपका वो क्या होगा क्वेश्चन वर्क होगा। तो वर्क जो है वो हमारी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर का सही आंसर वर्क होगा, टेम्परेचर जो होगा आपका एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होगा, और प्रेशर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा। और आप जानते हैं कि PVT से ही हम सारे फॉर्मूले बनाते हैं, जैसे कि मैं बोलूंगा PV√γ जो होगा ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होगा, इसी तरीके से P1V1 जो है वो
पी टू वी टू के बराबर होगा, और टी वन वी वन रेशियो गामा जो होगा वो टी जो है ये अपॉन अपॉन पी के बराबर होगा। तो ये जो है फॉर्मूले इन तीन से जो है बनते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द मैटर, तो आंसर सही जो होगा वो वर्क होने वाला है। तो यहाँ पर आपने जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आगे जो है हम कुछ और जो है वो अलग चैप्टर्स के जो है क्वेश्चन जो है करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के करेंगे, साउंड चैप्टर के जो है वो करने वाले हैं, मैग्नेटिक के जो है वो करेंगे, और फिर जो है इस टॉपिक को जो है वो कंप्लीट करेंगे, और फिर जो है हम बाकी जो है आपके सेक्शंस के भी जो साथ साथ वीडियोस आती रहेगी उन्हें भी कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।